श्री बिगाजी महाराज चालण की करने लगे तैयारी। कहां चलने की तैयारी थी? उनके ससुराल। तो कैसे? श्री बिगाजी महाराज चालण की करने लगे। से भारी श्री बिगाजी महाराज।
की करने लगे जारी बोलिए बिगा जी महाराज की जय हो। बोलिए पीतल माता की जय हो। बोलिए धड़देवली धाम की जय हो। तो सज्जनों बताते हैं कि वीर बिगा जी महाराज तैयारी करके अपने साथी संगियों के साथ वहां अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं और बताते हैं जैसे ही सज्जनों भोजन का बुलावा आया हमारे दादाजी श्री वीर बिगा जी महाराज भोजन के लिए जैसे ही अपना स्थान ग्रहण करते हैं अपने साथियों के साथ सज्जनों एक औरत की आवाज आई उनके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज जो सुनी करुण पुकार सुनी सज्जनों औरत रो रही थी गिड़गिड़ा रही थी मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। बताते हैं कि बिगा जी महाराज उससे पूछते हैं लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था बड़ी दुखिया औरत थी तो बिगा जी महाराज ने भोजन छोड़ दिया और उस अमला के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनसे एक सवाल करते हैं क्या कहते हैं बिगा जी महाराज उस रोती हुई औरत को जो उनके सामने रो रही थी। आइए छोटा सा भजन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल को भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।